हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस और WH वाले सेंटेंस दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। डिफरेंसेस बिटवीन किसके किसके बीच, WH एंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने उन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा है जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होते हैं इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले और दूसरा होता है WH वाला। मीन्स एक तो क्या से शुरू होने वाले होते हैं और दूसरा WH वाले। तो मैंने क्या किया है कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को मैंने इंटरोगेटिव के कैटेगरी में रखा है, WH वाले सेंटेंसेस को मैंने क्वेश्चन वर्ड के कैटेगरी में रखा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है आज हम वही सीखेंगे और इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे क्या वह चाय पीता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह चाय पीता है। अब क्या ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया, मीन्स इंटरोगेटिव। मैंने क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव के कैटेगरी में रखा है। आप बुक में पढ़ के ये मत सोचना कि इंटरोगेटिव का मतलब तो वह कौन है, तुम क्या करते हो, वैसा भी होता है, बट मैंने समझने के लिए इसको अलग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या वह चाय पीता है, ये हो गया इंटरोगेटिव। अभी हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि वह क्या पीता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस का अगर आप जवाब देते हैं कि क्या वह चाय पीता है, अगर मैं आपसे ही पूछूं किसके बारे में कि क्या वह चाय पीता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नहीं पीता होगा, तो नो। अगर मैं पूछूं कि वह क्या पीता है, तो वह क्या पीता है मैं आप जवाब में यस या नो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पाऊँगा कि यस और नो में क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि वह क्या पीता है, बोलेंगे यस, बट क्या पीता है, नो, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके लिए हमें पूरा जवाब देना ही पड़ेगा। पूरा जवाब देने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि वह दूध पीता है या वो चाय पीता है या वो दारू पीता है, कुछ भी पीता है, लेकिन पूरा जवाब देना पड़ेगा। तभी आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंसेस क्या है, मीन्स क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में मैंने रखा है, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो सवाल होता है उसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है या सिर्फ हाँ और ना में ही देते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी कि WH वाले सेंटेंस होते हैं उसका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। उसका जवाब देने के लिए हमें पूरा का पूरा बात बोलना ही पड़ेगा, पूरा जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम इसका अगर इंग्लिश बनाते हैं कि क्या वह चाय पीता है, तो डज ही टेक टी, इसका हम अगर जवाब देंगे तो बोलेंगे यस या नो। ठीक है, वह क्या पीता है, तो व्हाट डज ही ड्रिंक। अब इसका जवाब देने के लिए हम यस या नो नहीं लिख सकते हैं, उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, दो तीन वीडियो मैं बना चुका हूँ, डेवलप कर चुका हूँ, पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ वापस कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं या क्या से समाप्त होते हैं उसका इंग्लिश बनाते वक्त अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यानी शुरू में लिखेंगे। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के लिए डू डज लगाएंगे या पास्ट टेंस के लिए डिड लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन वर्ड्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से पहले ही बता दिया है। अगर फिर भी आप नहीं जानते होंगे तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि उसका भाई कौन है। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस नहीं है, ये WH वाला सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन है मीन्स हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हु इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हिज ब्रदर।
और इसमें अब अगर अदर होता तो अदर हम इसके बाद में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस इतना ही आपको बताना था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस और डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस में फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ओके फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो कैटेगरी होते हैं क्वेश्चंस के, एक होता है क्या से शुरू होने वाला और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वाला। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में दिया जा सके, और डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे जिस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में नहीं दिया जा सके। ओके फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाना भी आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिर से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सिर्फ आप डब्ल्यू एच की ही बात मत सोचना, उसमें क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस भी आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर अगर आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास, हमारी टीचिंग, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।